हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जैसे आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, आज मैं किस टॉपिक पे बात करूँगा। मैं आज बताऊँगा घर बनाने में, पेंटिंग बनाने में कितना खर्च आएगा। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लिख दिया है पेंट कास्ट एंड क्वांटिटी कैलकुलेशन। आज मैं बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल मेथड, सिंपल ट्रिक दूंगा, जो घर भी बैठे हैं गांव में, जो लोग हैं जिनको दिक्कत होती है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपए देना, कितना पेंट आएगा, कितना खर्चा आएगा, वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जो कोई नहीं निकल पाएगा, कोई कर नहीं पाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा। सबके लिए बहुत इजी मैं एक वीडियो बहुत अच्छी बन लेकर आया हूँ। प्लीज़ आप कंसंट्रेट रहिए और प्लीज़ आप ध्यान लगा के देखिएगा लास्ट तक मेरा वीडियो। मैंने एक रूम ले लिया, एक मैंने अच्छा पहले बात करते हैं सिंपल मेथड, क्या करना है, क्या होता है रूम में, क्या क्या किया जाता है, पेंट में क्या क्या चीज़ होती है, क्या प्रोसेस होती है। पहले क्या करते हैं हम रूम में, पहले क्या करते हैं, दो कोट पुट्टी करते हैं, एक कोट करते हैं, फिर दो कोट होती है, मेनली दो ही कोट पुट्टी होती है। लेकिन कहीं कहीं ज़्यादातर देखे होंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, धबक होती है, एंडुलेशन होता है, तो वहाँ तीन कोट भी पुट्टी की जाती है। और नहीं, उसके बाद भी नहीं जाता है तो उसके बाद हम पनिंग प्रोसेस करते हैं। वो बाद में मैं बताऊँगा, अगली वीडियो में ज़रूर मैं बताऊँगा क्या होता है पनिंग प्रोसेस, क्या होता है सब कुछ मैं अच्छे से बताऊँगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ पुट्टी कितनी हम क्वान्टिटी यूज़ करते हैं, कैसे कैसे रूम में कितना खर्चा आएगा, घर बनाने में पेंट कराने में कितना चाहेगा, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। पुट्टी कितनी, दो कोट मैंने पुट्टी, मेनली दो ही कोट होती है, प्राइमर एक, पुट्टी के बाद प्राइमर एक कोट होता है, फिर पेंट दो कोट। घर गांवों में यही ज़्यादातर घर बनाने में जनरली पेंट वेंट कराने में यही यूज़ होता है। अब मैंने क्या किया है, एक रूम ले लिया, एक रूम मैंने मेज़र कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रूम ले लिया। इसमें करना क्या है, हमने एक रूम कितने का, 10x10 का एक रूम ले लिया। ये क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, कितने की, 10x10 फीट का मैंने एक रूम ले लिया। कितने फीट का है, 10x10 फीट का एक रूम ले लिया, ठीक है। इसमें रूम है, रूम के अंदर जाने के लिए डोर भी तो होना चाहिए। डोर हमारा 3 यहाँ से यहाँ तक 3x7 फिट का एक मैंने क्या कर लिया, डोर ले लिया, विंडो भी ले लिया, 3x3 की एक विंडो ले ली है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे क्वांटिटी, पहले रूम में, रूम हमारा कितने का है, 10x10x10, लेंथ ब्रेड हाइट मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी, 10x10 10, सारी 10x10 है, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे क्या, पहले हमारी इसमें, अब हम एक एक वॉल की हम पहले एरिया निकालते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम ये वाला दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है मेरे, ये आपको दिख रहा होगा ये पोर्शन, इसमें क्या है, हम इसका एरिया निकालते हैं। तो इसमें विंडो भी तो है, विंडो का पहले हम अलग निकाल लेंगे। तो विंडो क्या है, W1 हमने मेज़र किया है वहाँ पे, तो 3x3 इक्वल टू कितना होता है, 9, मतलब 3 त्रिक, हिंदी वाले जान ले भैया क्या बोलते हैं, 3 त्रिक का 9, ठीक है। अब इसमें हम आगे वाले पोर्शन में आते हैं, जो एंट्री करते हैं जहाँ पे डोर लगा है उसका भी, तो इस वाली वॉल में डोर है तो हम पहले डोर का अलग निकाल लेते हैं। डोर क्या है, D1 हमने मेज़र किया है, तो 3x7 इज इक्वल टू 21 फिट, ओके, मतलब 17x21, ओके। अब हम आते हैं सारी एक एक वॉल का, अब हम मेजरमेंट, पहले हमने क्या किया है विंडो का निकाल लिया, दूसरा हमने क्या किया है डोर का निकाल लिया, ठीक है। अब हम आते हैं एक एक वॉल का, अब हम मेजरमेंट करते हैं, इस एरिया निकालते हैं। पहले हम आते हैं इस वाली वॉल में, जैसे दिख रहा होगा आपको ये वाली वॉल, यहाँ से यहाँ तक ये वॉल है, इसकी पूरी हम मेजरमेंट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 10x10 मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी है, 10x10 है तो 100 हो गया, 10x10 कितना हुआ, 100, मतलब 10x10 में 100, ठीक है। अब इसमें इस वाली वॉल में विंडो भी तो है, विंडो का हम क्या करेंगे, विंडो तो हम पेंट कर नहीं सकते हैं, विंडो को तो हमें निकालना पड़ेगा दीवार से, तो हम क्या करेंगे, विंडो को हम कितना लिया था, 3x9 आया था, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया कितना आ जाएगा, 91 स्क्वायर फिट, मतलब विंडो छोड़कर सारी वॉल पर हमें पुट्टी एरिया हमने निकाल लिया, एरिया कितनी आएगी, 91 स्क्वायर फिट। अब इसी तरह हम आगे डोर वाले को, इसमें ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन करते हैं,
इस वाले में क्या करेंगे, 10 × 10 100, ठीक है, लंबाई चौड़ाई 100 आ गया, माइनस डोर को तो हम माइनस करेंगे, यही हम एरिया पूरा हमको निकालना है, ये डोर तो हमारा पेंट सेंट होगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसका तो हम निकालना पड़ेगा, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें से हमने निकाला था कितना हुआ 7 × 21, 21 हमें क्या करेंगे एरिया में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारी वॉल में 79 स्क्वायर फीट, इसका एरिया कितना आ गया 79 स्क्वायर फीट, ठीक है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा 79 स्क्वायर फीट। इसी तरह अब हम आते हैं इस वाली वॉल पे, ये वाली वॉल दिख रही होगी, ये वाली वॉल, ये हमारी वॉल कितनी है 10 × 10, मतलब इसमें कोई भी विंडो वगैरह नहीं है, तो ये कुछ भी इसमें माइनस नहीं होगा, 10 × 10 100 हो गया। अब इसी तरह हम आते हैं ये वाली वॉल, ये वाली पोर्शन की वॉल है, ठीक है, ये वाली दीवार है, इसको हम क्या करेंगे 10 × 10 100 कर दिया, उसमें भी कुछ भी अब हमें माइनस नहीं करना, कोई भी दरवाज़ा वगैरह नहीं है, ओके, वॉल हमारी पूरी वॉल है। फिर इसी तरह हमारी छत भी तो है, छत का भी एरिया लेंगे, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, इसका भी तो हमें पुट्टी सुट्टी करनी है, तो हम क्या करेंगे 10 × 10 100। अब क्या करेंगे, ये पूरा जो एरिया हमने निकाला है, ये पूरा एरिया जो निकाला है, इसको अब क्या करेंगे हम टोटल एरिया, मतलब सबको जोड़ देंगे, 91 79 100 100 100 सबको ऐड किया तो 470 स्क्वायर फीट टोटल एरिया हमारा आ जाएगा। अब आते हैं हम एक सिंपल सा, असली ये तो हम इतना रूम का एरिया निकाल लिए, अब करना क्या है, अब थंब रूल अब आता है, दूसरा प्रोसेस इसमें थंब रूल। थंब रूल क्या करता है, कहता है 14 से 15 स्क्वायर फीट, मतलब 1 kg पुट्टी, मतलब 1 kg पुट्टी हमारी 14 से 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, मतलब 1 kg पुट्टी हमारी 14 से 15 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। 2 कोट मतलब 1 kg हम पुट्टी लेके आते हैं तो 14 से 15 स्क्वायर फीट 2 कोट मतलब एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। इसी तरह दूसरा है 3 कोट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 kg पुट्टी हमारा, एक थंब रूल क्या कह रहता है, 3 कोट जो हमारा अगर पुट्टी करनी है, जैसे 2 कोट कुछ लोग कराते हैं 3 कोट कराते हैं, 3 कोट जो है 1 kg पुट्टी 8 से 12 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। इसी तरह अब आते हैं 1 लीटर, अगर प्राइमर हमें उसके बाद पुट्टी के बाद प्राइमर कराना, तो 1 लीटर प्राइमर हमारा 120 से 140 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, ठीक है। इसी तरह 1 लीटर उसके बाद पेंट कराते हैं, तो 1 लीटर पेंट एरिया कितना लेता है, 70 से 90 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें अब पुट्टी वॉल तब निकल गया है, अब आता है लेबर, लेबर भी तो लगेगी, पुट्टी तो हाथ से करोगे नहीं, किसी इंसानी को तो लगाओगे, लेबर को लगाओगे तो वही तो करेगा लेबर, लेबर भी तो कुछ पैसा लेगा, लेबर का क्या खर्चा आता है, लेबर हमारा 10 से 12 रुपीस पर स्क्वायर फीट, हम मतलब लेबर का जो खर्चा आएगा 10 से 12 रुपीस पर स्क्वायर फीट वो लेता है, ठीक है, खर्चा आता है। अब क्या करते हैं हम इसका सॉल्व करते हैं, की एस्टिमेशन करते हैं कितना क्या खर्चा आएगा, क्या है कितना, हम सारा एरिया हम निकालते हैं। वॉल पुट्टी क्या है 470, टोटल एरिया कितना आया था 470, रूम का एरिया कितना 470, 1 kg हमारी पुट्टी कितना एरिया करती थी 14 से 15, तो हम 14 को इससे 470 टोटल एरिया से 14 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 33.5 kg। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमने जेके की, इस टाइम जेके की पुट्टी अच्छी होती है, बिरला भी आती है, लेकिन जेके 30 kg की, 40 की, 50 की, ज़्यादातर 40 आती है, लेकिन मैंने 50 लिया है, 850 रुपये की एक बैग पुट्टी जेके की आती है 850 रुपये के आसपास, तो हमने 850 डिवाइड बाई एक बैग कितने का होता है 50 kg के लिए, तो 50 से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना रुपए आ गया 1 kg का रेट कितना आ गया 17 रुपये, कितना आ गया 1 kg पुट्टी का रेट कितना हो गया 17 रुपये, तो हम 33.5 kg जब पुट्टी लगी थी 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 569 रुपये, मतलब वॉल पुट्टी में हमारा कितना 569 रुपये लगेगा, ठीक है। फिर प्राइमर में, प्राइमर आते हैं, प्राइमर टोटल एरिया कितना है 470, इसको डिवाइड कर देते हैं 120 से, 120 कहाँ से आया है तुम्हें आपको पता ही होगा, प्राइमर हमारा कितना लगता है 1 लीटर प्राइमर 120 से 140
कितने स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, तो हम 400 टोटल एरिया में से 120 हम घटा देंगे, डिवाइड कर देंगे, 3.9 लीटर आ जाता है। इसको 110 रुपये, मतलब 1 लीटर प्राइस का जो हमारा प्राइमर है इस टाइम जो हमारे आ रहा है 1 लीटर का, तो वो कितने का आता है, प्राइस का आता है 110 रुपये का, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.9 से, तो हमारा 429 रुपये आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं पेंट पे, पेंट कितना है 470, टोटल एरिया कितना है 470, और पेंट हमारा कवर क्या करता है 70 से 90 स्क्वायर फीट, 1 लीटर पेंट हमारा कितना 70 से 90 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। तो 470 में से 90 को हमने डिवाइड कर दिया तो 502 लीटर आ गया। तो 1 लीटर प्राइस का जो पेंट आता है, जैसे एशियन पेंट सबसे अच्छा होता है इस टाइम, अच्छा अच्छा माना जाता है, एशियन हुआ, ब्रिटिश हुआ, कई कंपनियां का, तो एशियन का हमने लिया, एशियन कितना है 270 रुपये है, 270 रुपये है। तो पाँच एक एक लीटर प्राइस का रेट कितना है 270 रुपये, तो 5.2 लीटर का क्या करें 270 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 1404 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब लेबर, लेबर भी तो खर्चा देना पड़ेगा, लेबर का कितना खर्चा आया, लेबर का आया 400, टोटल एरिया कितना था रूम का 470 इंटू कितना है 10 रुपये के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 4700, एक रूम का जो एरिया है 470 एरिया का जो हमारा पेंट का लेबर का जो खर्चा आएगा 4700 रुपये आएगा 10 रुपये के हिसाब से, ओके। अब हम टोटल रेट, मतलब एक रूम में कितना खर्चा आया है, अब उसका हम जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक रूम में ये जो पूरा रूम है ये वाला, इसमें कितना खर्चा आया है ये हम आपको पूरा बता दिए हैं कि टोटल हम इसको क्या कर दें, ऐड कर देंगे। जैसे 569 हमने कितनी वॉल पुट्टी का रुपया लगा था, वॉल पुट्टी में कितना खर्चा आएगा 569 रुपये, इसी तरह प्राइमर में 429 रुपये, पेंट में 1404 रुपये, और लेबर का खर्चा कितना आ रहा है 4700 रुपये, टोटल ऐड कर देंगे एक रूम में पूरा कितना खर्चा आएगा 507102 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो से आपको काफ़ी जो फ्रेशर हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जो भी अगर डाउट होगा कमेंट में ज़रूर करिएगा, ओके। आई होप हमारी आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और थैंक यू, शुक्रिया।